नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रामचंद्र यादव है। बाय प्रोफेशन मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। हाल ही में एक वाकया जो हुआ उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक दिन मुझे एक फ़ोन आया और वो फ़ोन सुनते ही जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी तो जानी पहचानी सी तो थोड़ी लगी मुझे, और उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि उनके पिताजी को नी का प्रॉब्लम है और उनको घर पर जाके देखना है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं घर पर जाके देख लूँगा उनको क्या करना है, मैं आगे डिसाइड करूँगा। और जब मैं घर पे गया तो मैं उनके फैमिली से मिला, उनके पिताजी से मिला, मम्मी जी से मिला। मैंने देखा उनके पिताजी का जो केस था वो बहुत ही सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस था, राइट नी ज़्यादा था और उनमें एक वायरस डिफॉर्मिटी भी हो चुकी थी। तो मैंने देखा और मैंने डिसाइड किया कि ठीक है करेंगे, और उनका मैं अभी भी ट्रीटमेंट चालू है उनका, और काफ़ी फ़र्क हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊँ दोस्तों, जब मैंने उनके बारे में जाना, दिलीप जी के बारे में जस्ट पूछा कि आपको जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था वो दिखाई नहीं दे रहे, तो उनके पापा ने जो बात मुझे बताई वो तो शायद मैं भूल नहीं पाऊँगा। उन्होंने बताया कि आप आरजे दिलीप को जानते हैं क्या। मैं बोला आरजे दिलीप कहीं वो तो नहीं जो 92.7 बिग FM पे वो रात को प्रोग्राम करते हैं लव यू ज़िंदगी? तो उन्होंने कहा हाँ वही। तो मैं एकदम शॉक रह गया। मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मैं रोज़ डेली जब भी मैं अपने घर की तरफ जाता हूँ रात को क्लिनिक्स वगैरह करके कंप्लीट करके, तो मैं हमेशा रेडियो ऑन करता हूँ 92.7 बिग FM को, क्योंकि उस पर पुराने गाने चलते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो उस पर हमेशा उस टाइम पे दिलीप जी का शो चलता रहता है लव यू ज़िंदगी। तो वो उनकी आवाज़ सुन के मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ था, और मैं हमेशा सोचता था कि इनको कभी तो पता नहीं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड और गॉड्स प्लान, मैं हमेशा सोचा करता था कभी तो मिलेंगे। और लकीली ऐसा हो गया कि मैं देखिए पता नहीं कैसे उनके घर पहुंचा, उनके पिताजी के ट्रीटमेंट के थ्रू पता चला कि ये वही दिलीप जी हैं जो 92.7 बिग FM पे वो आरजे हैं। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि उनके घर में उनके पापा का ट्रीटमेंट करने का मुझे मौका मिला। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे जितना सिखाएगा एक्सरसाइज अंकल तो सकती है, उम्मीदा करेंगे अच्छी तरह से वेट बनाते तो और पावर बढ़ जाएगा, तो फिर आप स्टिक पे भी आ सकते हैं। और स्टिक रखना है हमें स्टेज में, एक सपोर्ट चाहिए वो करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम जिसुलाल जैन, मैं आरजे दिलीप का डैडी हूँ। मैंने डॉक्टर रामचंद्र यादव का मैंने ट्रीटमेंट किया, मेरे को उनके ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा लगा और मैं अभी अभी चलने लग गया हूँ, और मेरे को एकदम बहुत उनका किया हुआ काम अच्छा लगा मेरे को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिलीप, जिसके बारे में अभी मेरे डैडी बात कर रहे थे। आपने मेरे डैडी को सुना, उम्र के साथ कुछ दिक्कतें कुछ परेशानियां आ जाती है, और ऐसी ही दिक्कत परेशानी डैडी के साथ भी हुई। इमोबिलाइज हो गए, बेड रिडन थे, और वहां पर मैंने डॉक्टर रामचंद्र यादव जी से संपर्क किया। पहली बार जब उनसे बात हुई तुरंत उसी दिन वो डैड को मिलने पहुंचे, उनकी जो सिचुएशन थी उसको एनालाइज किया, और पहला काम जो उन्होंने किया वो था अश्योरेंस दिया। मुझे कहा कि दिलीप जी आप निश्चिंत रहिए, और डेफिनेटली विद इन 15 डेज डैडी जो है वॉकर के सहारे से चलना शुरू कर देंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ, डैडी अब अपने सारे काम खुद ही मैनेज करते हैं, फिर से एक बार मोबिलाइज हो गए हैं वो। सत्य प्रभा फिजियोथेरेपी क्लिनिक जो डॉक्टर रामचंद्र यादव जी चलाते हैं,
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनके इस बहुत ही अच्छे और नेक काम के लिए, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं वो दिल से करते हैं। और मैंने यही देखा कि किस तरह से वो मोटिवेट करते हुए, मेरे परिवार को अपना परिवार मानते हुए बिल्कुल शिद्दत से उन्होंने प्रयत्न किया और फिजियोथेरेपी के सहारे से मेरे डैडी की रिकवरी बहुत फास्ट हुई। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ डॉक्टर रामचंद्र यादव जी को, सत्यप्रभा फिजियोथेरेपी क्लिनिक को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामचंद्र यादव जी। दिलीप जी, मैं आपको अपने तहे दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आज आप मुझे वक्त देके आप मेरे सामने बैठे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम सामने सामने बात कर सकेंगे, और आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप, ये एक मेरे लिए एक ड्रीम जैसा ही है, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये टेस्टिमोनियल लेते हुए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक पेशेंट को ठीक होने में जो जो चीज़ चाहिए रहती हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, घर का सपोर्ट, मेहनत, एक्सरसाइज, वो सब आपके घर में अवेलेबल था, इसीलिए अंकल जी की रिकवरी फास्ट हुई है। थैंक यू सो मच।